मुंबई सेंट्रल का ये जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी मस्त लग रहा है भाई। अभी हम लोग पैदल पैदल चल रहे हैं, साथ में सफाकत भाई जो कि ऑनलाइन मैप चालू करके हमको पैदल पैदल घुमा रहा है। ईस्ट जाना था प्लेन बगोगे तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, दिस इज फरेज खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 5:13 और हमारे साथ है सफाकत जो कि आज सुबह में हमको 4 उठा दिया इन्होंने। और आज हम लोग जर्नी कर रहे हैं फ्लाइंग रानी में जो कि सूरत से मुंबई जाती है, और हम लोग एक इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं और हमारा भाई सफाकत। तो वो क्या है, कौन सी ट्रिप है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताना कि वो कौन सी ट्रिप है, हम लोग कहाँ जाने का सोच रहे हैं। अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर अभी बता दूंगा, अभी हमने भी पक्का नहीं किया है। 4 ऑप्शन है, 4 एक जगह हम जाएंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि कहाँ जाएँ हम लोग। 4 है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 1 दुबई 1 सऊदी, ये 2 मैंने दिए, 2 सफाकत भाई देगा। बोल बोल भाई। यूरोप। यूरोप, यूरोप में कहाँ? माल्टा। यूरोप में माल्टा, और चौथी कंट्री कौन सी? क्रोएशिया। क्रोएशिया, यूरोप, माल्टा, सऊदी और दुबई, 4 कहाँ जाएंगे ये आप हमें बताना। तो हम उसी के काम से अभी निकले हैं मुंबई के लिए, और नींद हमारी उड़ी नहीं है। घर से हम लोग व्लॉग स्टार्ट करने वाले थे लेकिन जल्दबाजी में हम लोग भूल गए। यहाँ पर आके उधना स्टेशन से हम लोग व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, सूरत स्टेशन से करने वाले। आ रही है हमारी ट्रेन, तो सूरत स्टेशन से स्टार्ट करने वाले थे लेकिन घर से निकले तो ऑलरेडी टाइम हो चुका था, उधना स्टेशन पास में था तो उधना स्टेशन आके हम लोग बैठ गए। चलो अभी चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं हमारा सफ़र कैसा रहेगा। तो चैनल पे बने रहना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। और ये हमारी जो इंटरनेशनल ट्रिप हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं इसके अंदर आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। चलो अभी निकलते हैं हम लोग यहाँ से। ये आ गई है फ्लाइंग रानी हमारी ट्रेन, देखो आगे जाते हैं मुंबई फ्लाइंग रानी। तो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं और ट्रेन हमारी उधना स्टेशन से निकल गई, ये आप देख सकते हैं। और हमारी जो सीट है वो अपर बर्थ में है और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, सफाकत भाई भी आए। बस इसमें एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि बैग रखने के लिए जगह नहीं, तो हम लोगों ने हमारे बाजू में ही रखा हुआ है बैग। ये आप देख सकते हो निकल रही है ट्रेन और ये जाएगी सीधा मुंबई सेंट्रल, और हमको जाना है सीधा यहाँ से मुंबई सेंट्रल। बैठते हैं, नींद मुझे बहुत आ रही है। ये भाई ने चाय वाय पी ली, मैं चाय पीता नहीं इसीलिए हमारी नींद अभी तक उड़ी नहीं है। थोड़ी देर सोना पड़ेगा उसके बाद हमारी नींद उड़ेगी, तो थोड़ी देर सो जाते हैं उसके बाद में कोई स्टेशन आता है बाहर निकलेंगे तब और आपसे बात करेंगे। फिलहाल ट्रेन हमारी निकल गई है। गाइज अभी हम लोग पहुँचे हैं मुंबई सेंट्रल, और तुम्हारा भाई तो भाई सो ही रहा था क्योंकि यार रात को 3 ये बंदे ने सोते सोते टाइम कर दिया, बैठा था मोबाइल चला रहा था, 3 इसने। और वहाँ से निकले, ट्रेन के अंदर भी काफ़ी रश था, स्टार्टिंग में इतना रश नहीं था, नॉर्मली था, उसके बाद में भाई जो रश हुआ ना तो मत पूछो, हालत ख़राब, गर्मी एक जगह पर बैठे रहे, ये गर्दन इधर ऐसे सो तो ये गर्दन दुखे, भाई नींद ही नहीं आ रही थी, आँख पूरी लाल हो गई। और अभी यहाँ पर मुंबई सेंट्रल पहुँचे हम लोग, देख सकते हो। और उसके बाद में हमको जाना था, एक ऑफिस है टूर एंड ट्रैवल्स वालों की, तो हम लोगों ने सोचा, जेन्युइन ऑफिस है एकदम,
तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो भाई को, ये सफा का जो भाई है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बंदा राजस्थान से आया सूरत। मैंने इसको बोला तो राजस्थान से सूरत आया, अब सूरत से ये लेके आ गया मुझे मुंबई। लेकिन ये बंदे ने अभी तक ऑफिस है उसका नंबर नहीं लिया, ना इसको एड्रेस पता है अभी तक। अभी यहाँ पर ये ऑनलाइन सर्च कर रहा है कि भाई ऑफिस कहाँ है। अब इससे बड़ा बेवकूफ़ देखा है किसी ने? अगर बाई चांस ऑफिस बंद निकली या उसका ट्रांसफ़र कर लिया या ऑफिस बंद हुई, तो जो इतना लंबा धक्का हुआ, ये जो खर्चा हुआ, ये देगा मेरे को, देगा ना रे? हाँ ये देगा। अभी फ़ोन कर रहा है वो बंदा, इतनी दूर से मेरे को लेके आ गया, लेकिन अभी तक इसके पास एड्रेस भी नहीं है ना नंबर है। तो अभी देखते हैं अभी क्या होता है आगे की कहानी, आगे देखते रहना आप लोग। भाई अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं, साथ में सफाकत भाई जो कि ऑनलाइन मैप चालू करके हमको पैदल घुमा रहा है। ईस्ट जाना था, प्लेन बगाओ के ईस्ट जाना था और वेस्ट में उतार दिया। अब पूरा स्टेशन घुमा के गूगल मैप चालू करके पैदल ही हमको ले जा रहा है। भूख लगी है लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि अभी हमारा सिद्धू को कॉल किया, वो हेलीकॉप्टर लेके आ रहा है। हाँ खा नहीं सकते क्योंकि पहले काम जरूरी हो, काम कर लेते हैं, उसके बाद में शांति से बैठ के खाएंगे, क्योंकि फिर पूरे दो दिन हमारे। तो अभी फ़िलहाल निकलते, देखते हमारा काम कितना होता है, क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा। चैनल पर बने रहना, और उसके बाद में अगर पहले अगर रास्ते में जाते जाते कुछ खाने का मिल गया, मुंबई का फेमस वड़ा पाव, और वही हम ढूंढ रहे हैं क्योंकि मुंबई आए और वड़ा पाव ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जाते खाते, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। गाइस अभी हम लोग आए हैं वड़ा पाव खाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक गए घूम घूम के, और यहाँ पे हम लोग खा रहे वड़ा पाव मेरे साथ में सफाकत भाई। और हमारी ट्रेन थी 7 बजे की, जो कि कल 7 बजे की थी, और वो हमने कैंसिल करवा दी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। हम लोगों को लगा कि भाई गर्मी नहीं होगी, तो उस वजह से हमने एक दिन बाद की ट्रेन करवाई, सोचा कि घूम लेंगे थोड़ा, लेकिन गर्मी इतनी है कि हम लोग से घूमा नहीं जाएगा, तो इसीलिए वो कैंसिल करवा के अभी की ट्रेन हम बुक करवाए 7 बजे की। तो मतलब जिस दिन आए आ जाए और आज हम लोग रिटर्न होंगे, तो हमारे पास अभी 5 घंटे हैं, तो 5 घंटे हम लोग घूमेंगे। तो हम लोग सोच रहे हाजी अली जाए दरगाह पे, इतनी दूर आए और दरगाह पर नहीं जाएंगे हम लोग, तो मज़ा नहीं आएगी। तो अभी हम लोग जाएंगे हाजी अली, लेकिन उसका व्लॉग हम अलग से बनाएंगे। तो अगर आप ये चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके बाद का व्लॉग हाजी अली दरगाह का आएगा। तो इसीलिए अभी हम लोग जाएंगे हाजी अली दरगाह, और रिटर्न जब जाएंगे तब इसी ब्लॉग में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, तो चैनल पे बने रहना। तो हम लोग अभी ये खा लेते हैं वड़ा पाव और बाद में मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग गए थे एक मॉल, यहाँ पे मॉल जैसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन छोटा सा शॉपिंग सेंटर है। तो वहाँ पर नॉर्मल जो रिंग आती है, जैसे सूरत में हम लोग लेते हैं 20 रुपये की, 50 रुपये की, ज़्यादा से ज़्यादा अगर और ज़्यादा देखने जाए खींचने जाए तो 100 रुपये की हो सकती है। हम लोग दुकान में गए, हमने भाव पूछा, उसने कितना बताया होगा सफाकत भाई से? 850 रुपये की एक छोटी सी रिंग, ब्लैक कलर की, जो कि मेरे पास घर पे उससे कई ज़्यादा अच्छी पड़ी, अच्छी रिंग है वो। वो मैंने ली थी कुछ 80 रुपये की, और यहाँ पर 850 रुपये की, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो चांदी की रिंग दे रहा है हमको, ब्लैक चांदी। तो अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, और उसके बाद में जब शाम को जाएँगे हम सूरत, कब मिलते हैं हम लोग शाम को, जाने वाली ट्रेन कौन सी है, क्या होगा, तो वो जाके हम शाम को मिलते हैं। सभी हम लोग आए हैं, खाना वाना खाया, वड़ा पाव खाया हम लोगों ने, जैसे आपको बताया था। अभी हम लोग आए हैं स्वीट्स लेने, जो कि मुंबई की फेमस है जमजम स्वीट्स, वहाँ पर स्वीट्स लेते हैं, देखते क्या क्या है। ये कौन सा? 100 रुपये किलो कलाकंद, सॉरी अफलातून है। नहीं लोग जमजम इलेक्ट्रिक वाले का नाम आ रहा है, जमजम स्वीट वाली जो शॉप थी वहाँ से हम लोग निकले हैं। अभी स्टेशन पर आए, हम लोगों ने टिकट ले ली है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी ट्रेन खड़ी है, और जाते हैं और देखते हैं क्या भीड़ है नहीं है, क्योंकि हमने जो टिकट ली थी वो हम लोगों ने कैंसिल करवा दी। और अभी ये जनरल डब्बे की लिए हम लोगों ने, लेकिन ये भी भाई बहुत महंगी है, 200 रुपये की टिकट आई है, 190 रुपये की, मतलब 200 रुपये की टिकट है नॉर्मल जनरल डब्बे की भी। तो क्या है देखते हैं अभी आगे जाके। ट्रेन यहाँ पर खड़ी है और 7 बजे यहाँ से ही निकलेगी, 5 बजे से यहाँ पर खड़ी है, 7 बजे यहाँ से निकलेगी। तो चलो अभी देखते हैं आगे जाके। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुँच गया था रात में, और काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसके लिए मैंने ट्रेन की फुटेज भी नहीं लिए, सीधा मैं सो गया घर पर आके, क्योंकि हमको 3-3.5 घंटे और लगे मुंबई से सूरत आने में। और मैं अभी फिर से सूरत से मैं बाहर जा रहा हूँ कहीं काम से, तो ये व्लॉग अभी मैं एंड कर रहा हूँ। मतलब काफ़ी ज़्यादा थक गया था, मतलब रात को हम लोग
डेढ़ बजे आए आते आते, मतलब घर आते आते सोते सोते हमको 3:30 बज गए और अभी 7:30 बज रहे हैं मॉर्निंग के। फिर से उठ के मैं मेरे काम से जा रहा हूँ, तो ब्लॉग को हम यही खत्म करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद हो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसके बाद का ब्लॉग आपके लिए फिर से आएगा, एक नया अच्छी सीरीज लेके आऊँगा। चलो टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़।